जलेबी के बाद दही भल्ले। ओहो, इसने मेरे जो डाली है ना, को एक चीज़ विज़िट कराना चाहता हूँ जो कि मेरा जो बचपना और यादें जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इस जगह जो ये देखिए, सुभान अल्लाह, हवा भी चल रही है साथ साथ। मुझे क्या नज़र आया उस्मान भाई यहाँ पर आए? तो यहाँ से अब जो है जाते हैं भाई नगला की तरफ इंशाल्लाह। खैर छोटे बच्चों, लड्डू खोए वाला, काले जामुन, रसगुल्ला, नारियल वाला, माशाल्लाह, आपको मिलेगा खिरमोन, माशाल्लाह, नीचे आपको पेड़ा है, कलाकांद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं हमजा मक्की मक्का मुकर्रमा से और जनाब आला मुतवाजिद हूँ शहर मंसूर में। शहर मंसूर ये मक्का मुकर्रमा का पुराना मोहल्ला ही है। और भाई जान, उससे पहले देखे हाफिलात मक्का भी यहाँ से गुजरती है। तो आज जो है ना इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को इस वीडियो में तीन चार दुकानें का विज़िट करा देता हूँ। साथ ही भी तो अल्लाह ताला से अल्लाह ताला आप लोगों को हरमैन शरीफ़ की ज़्यादा नसीब फरमाए। आमीन आमीन रहमतिका या अरहमर राहिमीन। फर्स्ट दुकान जो है आप लोगों को विज़िट करा देते हैं हलावियात नरल, यानी कि मीठे वाली दुकान जो है वो भी आप लोगों को विज़िट करा देते हैं। फिर उसके बाद कपड़ान की दुकान यहाँ पर मौजूद है, यानी कि छोटे बच्चों के कपड़े यहाँ पर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं, माकूल रेट है और अच्छे रेट है। तो चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो कल अल्लाह सबसे गुजारिश है कि एक बात रशीफ़ बिल अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोकेशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं आगे जाके। चल तो कल अल्लाह जी, ये देखें हलावियात नरल्ला मक्का, बहुत ही ज़बरदस्त दुकान है। तो इसमें जाते आप लोगों को विज़िट करा देते। चलिए जी, माशाल्लाह हलावियात नरल्ला, ये देखें क्या क्या मुझे नज़र आ रहा है। ये है भाई जलेबी और गाजर का हलवा। वाह, गाजर दा हलवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत दाफियत। अच्छा मुझे बताएं क्या क्या मौजूद है ताकि जो भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर आके इजी होके खरीद सकते हैं और खा भी सकते हैं। इधर आपको मिलेगा लड्डू खोए वाला, काले जामुन, रसगुल्ला, नारियल वाला, माशाल्लाह, आपको मिलेगा खिरमोन, माशाल्लाह, नीचे आपको पेड़ा है, कलाकंद है, वाह यार, बर्फी है, रोल बर्फी है, साथ में स्पेशल बादाम हलवा, काजू हलवा, फिर आपको मिलेगा सोन हलवा, फिर आपको मिलेगा ये भी ऐसे वाला सोन हलवा का तरफ होता है। अच्छा, ऊपर आपको मिलेगा रसगुल्ला, आपको मिलेगा लड्डू मोतीचूर, इसमें मिलेगा रसगुल्ला दूसरा वाला, लाल जामुन मिलेगा, आपको मोती बूंदी मिलेगा, फिर आपको मिलेगा चार टाइप का पतीसा, पतीसा जी, और इधर मिलेगा आपको नारियल वाला, फिर आपको छोटा रसगुल्ला मिलेगा, मोतीचूर और दूसरे कलर वाला मिलेगा, माशाल्लाह, बेसन का बर्फी भी मिलेगा, दाल पीनी दूसरा टाइप का ये पतीसा है, फिर आपको मिलेगा हलवा मेसू, फिर ये मुचक्कल नरजीन, ये भी है आपको मनपसंद, आपको मिलेगा बालूशाही, बालूशाही, और हमारे पास बिस्कुट भी है, बिस्किट का आइटम भी है, निम्को का आइटम भी है, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, देखे बकर खाने भी है, बकर खाने भी है, क्या बात है, इनसे बकर खाने भी लेंगे इंशाल्लाह। आपको मिक्स निम्को मिलेगा, अलग अलग निम्को टाइप के चना दाल, देखिए माशाल्लाह तबारकअल्लाह, निम्को भी चटकरा में है, दही बल्ले, फलूदा, मीठे के बाद हमारे पास भी है चटकरा का बनना, इधर आपको मिलेगा शीरा वाला रसगुल्ला, मिलेगा आपको रसमलाई, मिलेगा आपको फलूदा, आपको इधर मिलेगा दही बल्ले, चना चाट, वाह वाह वाह, और आपको और एक चीज मिलेगा जो स्पेशल पानी पूरी, वाह यार माशाल्लाह, इधर आपको समोसा भी मिलेगा, समोसा चाट भी मिलेगी, क्या बात है, मिर्ची के साथ और बगैर मिर्ची के साथ। अब जो है नेक्स्ट दुकान पर चलते हैं इंशाल्लाह, यहाँ पर मैं आके खाऊंगा भाई के साथ। और क्या क्या है? अच्छा एक चीज़ मुझे नज़र आई है कि माशाल्लाह अचार, ये देखें अचार, और क्या क्या है इसमें? रोस्टेड चना भी है, कचाक भी है, वाह यार, गजूरी शीरा, रूह अफ़ज़ा, माशाल्लाह, हाँ जी रूह अफ़ज़ा जो कि हमारे पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है, और पाकिस्तानी प्याड़ियाँ भी मिल जाएगा, वाह यार माशाल्लाह, ये देखे केक रस भी है। अब जो है चलते हैं नेक्स्ट दुकान में जो कि टॉप 10 के नाम से मशहूर है, यहाँ पर याद रहे शहर मंसूर। ये देखे फिर से आप लोगों के साथ बोर्ड जो है शेयर कर रहा हूँ, हलावियात नरल्ला। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा और भी जरूर करा देते क्या क्या आप लोगों को मिल जाएगी। देखें चमचा भाई और किचन की चीज़ें, और इस तरह आके देखे जैसे कि आप लोग कहा था किचन की चीज़ें, ये क्या भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त बना है, और लिखा है यहाँ पर तकरीबन रेट जो है 20 रियाल का है, और सफ़र का बैग भी भाई यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। ये देखें थर्मिस जो है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, किचन की चीज़ें जैसे कि आप लोगों को कहा था, क्या बात है, देखें
और गिलास चाय के यहाँ पर भी देखें, देखे देखे साथ साथ गिलास है ये, और ये क्या कप है भाई, देखें क्या बात है भाई, गिफ्ट देने के लिए चीज़ें अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को। और इस तरह के लिए मीर को सामान दिया, और इस तरफ जो कि घड़ी भी आप लोगों को मिल जाएगी, देखें ज़बरदस्त। चल इस शॉप पर चलते हैं टॉप 10, और यहाँ पर क्या क्या है वो अभी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। ये देखें बैग जो है ये 24,000 का लिखा हुआ है, और रंग भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सेकंड पर आए ये देखें, ये भी भाई बैग, और इस तरह देखें मुख्तलिफ बैग, जूम करके दिखा देते हैं यहाँ से, और रेट जो लिखा है 24,000। अच्छा जी, बैग के बाद शूज़ भी देख सकते हैं, जो कि बोर्ड भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, और जूते भी देखें। अच्छा रेट जो है लिखा है यहाँ पर 24,000 एक पीस, और रंग भी देखें, ये देखें आप लोगों को जो है यहाँ से इस तरह का विज़िट करा देते हैं, जब भी आप लोग आए ना इजी हो के भाई आप लोग शॉपिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें जो कि जूते भी है भाई हमारे हजरात के लिए। अच्छा रेट जो है 24,000 का, ये सामने भी लिखा हुआ है, ये देखें। उसके बाद देखें बूट भी है भाई यहाँ पर। अच्छा एक पीस जो है ये भी 24,000 का, ये देखें छोटे बच्चे के जो कपड़े हैं एक पीस, ये है 12,000 का। और इस तरफ देखें यहाँ पर बुरके भी है भाई, और एक पीस जो कि 24,000 का नाप के साथ, ये देखें। फिर से जो है ना हर पीस 24,000। और ये ले देखें छोटे छोटे बच्चों के कपड़े जो हैं, जो एक टी शर्ट जो है यहाँ पर लिखा 12,000 का। फिर से जो है जितने भी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये है भाई 12,000 के। इस तरफ देखें ये भी भाई बच्चों के कपड़े हैं, और यहाँ पर जो लिखा है 12,000 का एक पीस है, ये देखें देखें। और सूट जो है ना ज़बरदस्त है कपड़ा जो है, ये देखें। ये देखें जा नमाज भी आप लोगों को मिल सकते हैं, जिसका कपड़ा जो है ज़बरदस्त। यहाँ पर देखें रेट जो है भाई 12,000 का एक पीस, ये देखें टी शर्ट जो है 24,000 का लिखा हुआ है, ये देखें टॉप 10 में जो है 3 फ्लोर है भाई, और 3 फ्लोर में से आप लोगों के साथ मुख्तसर विज़िट करा रहा हूँ। अब जो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ जो कि फिर भी छोटे बच्चों के कपड़े, और आप लोग देखें ज़रा वीडियो में, ये देखें अभी फ़िलहाल तो बड़े बच्चों के कपड़े हैं ये देखें क्या क्या है भाई माशाल्लाह। देखा आप लोगों को कहा था बड़े बड़े बच्चे माशाल्लाह देखें ऐसे छोटे छोटे बच्चे, जैसे कि उस्मान भाई हटो ज़रा आप छोटे बच्चे तो नहीं हो, ये देखें ये है छोटे बच्चे के, ये देखें इस तरह भी छोटे छोटे बच्चे जो है। अच्छा ये है छोटा बच्चा, ये देखें माशाल्लाह, ठीक है इस तरफ भी, और ये ले माशाल्लाह सो क्यूट। तो यहाँ से अब जो है जाते हैं भाई नरल्ला की तरफ इंशाल्लाह। खैर छोटे बच्चों चलो चलते हैं अब टॉप 10 से। अब जो है टॉप 10 से बाहर निकल के यहाँ पर कुछ दुकानें हैं वो भी आप लोगों को विज़िट करा देते, ये देखा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा
टॉप 10। और इस तरफ जो कि मुख्तसर से आप लोगों को दुकानें विज़िट करा देते, ये देखिए सामने नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये है भाई सोने की दुकान है ये सामने। और इस तरफ जो कि मरकज़ दुबई, यहाँ पर आप लोग जो है घर की चीज़ें गिफ्ट देने के लिए ईजी होगी, देखिए बहुत बड़ी दुकान है। उसके बाद आए भुड़की की दुकान, ये सामने आप लोगों को नज़र आ रही होगी। फिर इसके बाद सोने की दुकान, फिर इसके बाद भुड़की की दुकान, फिर इसके बाद सोने की दुकान भाई, फिर इसके बाद दो दरियाल की चीज़ें। ये जितने भी आप लोगों को दुकानें नज़र आ रही है, याद रहे शाहरा मंसूर में, और शाहरा मंसूर फिर से मैं कहूँगा ये पुराना मोहल्ला है मक्का मुकरमा में। यहाँ से देख ले टॉप 10 और नेक्स्ट पर आए, यहाँ पर टेंट सिटी भी है, यानी कि यहाँ पर भी भाई 10-10 रियाल की चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। तो एक चीज़ विज़िट कराना चाहता हूँ जो कि मेरा जो बचपना और यादें जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इस जगह जो है यानी कि मैं और उस्मान भाई भी और जो कि मेरे वाले साहब भी, जब भी हम स्कूल से आए ना और यहाँ पर ज़रूर हम आते हैं। ये ले उस्मान भाई ज़रा कैमरा पकड़े, यहाँ पर जो कि सुकून आ जाता है भाई, देखे यहाँ पर आप लोग ख़रीद सकते हैं, देखे लेफ़्ट और राइट। तो रास्ते में मुझे याद आया कि भाई बचपना जो है, सुभान अल्लाह आगे आए ज़रा, ये देखे सुभान अल्लाह हवा भी चल रही है साथ साथ। अच्छा मुझे क्या नज़र आया उस्मान भाई यहाँ पर आए, मुरग जो है, अच्छा ये देखो ऊपर जूम करे ज़रा, चिड़िया घर बनाया हुआ माशाल्लाह भाई सुभान अल्लाह। चले जी भाई माशाल्लाह, रवि अंदर अल्लाह पर आके और अभी खाएंगे दही भल्ले पहले नंबर, फिर उसके बाद जो कि समोसा भी खाएंगे इंशाल्लाह ताला, माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह इसके ऊपर मिर्चे और फिर उसके बाद जो के देखें, वाह ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अच्छा ये जो है समोसा चाट और ये जो है दही भल्ले, कौन सा ट्राई करें भाई, अच्छा ये आखिर में ट्राई करेंगे मीठा जो है। तो जैसे कि आप लोगों को खाया था कि समोसा चाट, बिस्मिल्लाह ये देखिए मेरे, वाह यार माशाल्लाह 10 में 10 दही भल्ले। ओह इसने मेरे जो डाली है ना, चलो बिस्मिल्लाह, ये भी 10 में 10 ये भी 10 में 10 मीठा जो है वो आखिरी में इंशाल्लाह ट्राई करेंगे आप लोगों के साथ, खा के फिर आप लोगों से मुलाकात होगी भी इज़्ज़त अल्लाह ताला। ये देखिए भाई माशाल्लाह जलेबी बिस्मिल्लाह, जलेबी के बाद मीठा कम खाता मगर ये बहुत ज़बरदस्त। चले जी सामेउ नाज़रीन, अब जो है आप लोगों को थोड़ा सा मक्का मुकर्रमा का व्यूज़र करा देते हैं भाई, जो कि गाड़ी का सफ़र मुख्तसर से आप लोगों को जो है आगाज़ जो है शाहरा मंसूर से शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। देखिए जो कि आप लोगों को पल भी नज़र आ रहा होगा, ये है सेकेंड कुबरी मंसूर पुल, मंसूर जो के नाम है ये मशहूर है, ये भी पुराना पुल ही है। यहाँ से अगर आप इस पुल से डायरेक्ट जाए तो आ जाता है भाई कुबरी मिसफला। आप लोगों को जो है मुख्तसर से मक्का मुकर्रमा की पुरानी गलियाँ जो हैं वो भी गुजर करा देते हैं भाई इंशाल्लाह ताला। आने वाले दिन जो है सोचा आप लोगों को मक्का मुकर्रमा की पुरानी गलियाँ, पुरानी जो है मोहल्ले घर जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हुए अल्लाह ताला। और ये देखिए ये नया मॉल बना हुआ है अंजुम मॉल भाई, अंजुम मॉल ये देखें, आप लोगों को गोलक टावर भी नज़र आ रहा होगा, और उसके बाद पहाड़ियों में देखें ज़रा जो कि मकान भी नज़र आ रहे होंगे। और इस मोहल्ले को कहते हैं हैरतल यमन, ये बहुत ही मशहूर मोहल्ला है और पुराना मोहल्ला है मक्का मुकर्रमा में। ये देखें सामने जो कि बसेस मुझे नज़र आ रही है, अब मैं हैरान हूँ यहाँ पर इस इलाके में और बस सुभान अल्लाह। और सामने देखें मोहल्ला जो है, यहाँ पर अक्सरियत जो कि अफ्रीकन हमारे भाई रहते हैं इस तरफ
चले इस तरफ से थोड़ा सा आप लोगों को विज़िट भी करा देते हैं भाई। देखें, वाह यार वाह, खाने भी देख सकते हैं जो कि खाने भी भेज रहे हैं। अच्छा ये जो खाने भेज रहे हैं ये है भाई सीरे, ये बहुत ही मशहूर खाना है अफ्रीकन। इस महल में आना और गाड़ी के साथ बहुत ही मुश्किल है, आइंदी दफ़ा जो है भाई पैदल ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला, याद रहे हर तरीमन। चले सामने नाज़रीन यहाँ तक ना वीडियो को एंड कर देता हूँ, फिर से जो लोकेशन आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग हरम शरीफ से यहाँ तक हलाविया नरल्ला आना चाहते हैं तो टैक्सी वाले को कहे कि मुझे जाना शहर मंसूर कहाँ पर हलाविया नरल्ला, टैक्सी का रेट जो है 5 से 10 रियाल तक है। और अगर आप लोग शॉपिंग करना चाहते हैं जैसे कि आप लोगों को विजिट करा है टॉप 10 और 10 सिटी और 2-2 रियाल की दुकान जो है आप लोगों के साथ शेयर किया, तो सबसे गुजारिश है वीडियो को शेयर लाइक कमेंट और चैनल को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आने वाले दिन जो है अजीज़िया का भी विजिट कराऊंगा, अजीज़िया शुमारी और जुनूबिया खुश रहे आबाद रहे, साथ साथ ये तो अल्लाह ताला से अल्लाह ताला आप लोगों को हरमैन शरीफें की ज्यादा नसीब फरमाए। आमीन आमीन रहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।